गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे अगेन वी हैव गैदर्ड फॉर आर इंग्लिश क्लास आफ्टर लॉन्ग टाइम सो ओपन योर इंग्लिश रेनड्रॉप्स बुक लेसन नंबर सेवन सोनाज एडवेंचर पार्ट नंबर वन गेट स्टार्टेड कैन यू नेम द एनिमल्स इन दिस पिक्चर्स यहाँ पिक्चर है वहाँ पर कुछ एनिमल्स का पिक्चर दिया हुआ है यूज़ द क्ल्यूज एंड राइट द नंबर ऑफ द पिक्चर एड नेम द एनिमल ऑन द करेक्ट ब्लैंक वहाँ पर एनिमल का स्किन का पिक्चर दिया हुआ है उसको आपको देख के पहचान के आपको एनिमल्स का नाम लिखना है नीचे दिया हुआ है माई हम्प अलाउज मी टू स्टोर फूड फॉर डेज हम्प मीन्स कैमल का पीठ ऊंचा होता है उसमें उन लोग पानी काफ़ी दिन तक स्टोर करके रखते हैं सो नंबर वन विल बी कैमल माई वेब्ड फीट हेल्प मी टू स्विम This is duck. My long neck helps me to reach for the leaves on the tallest trees. Giraffe. My striped fur helps me to hide from the prey when I am hunting. Tiger. My hoofs protect my feet from the hard ground. Horse. I use my trunk. To lift, eat, drink, and smell. Elephant. Now turn the page. Sona is hopeful that he will make some new friends. But when he sets out to explore his new neighborhood, he gets an unpleasant look. Section 1. A mother camel and her son Sona were slowly looking walking along in the desert. Mother Camel Mummy Camel aur uska Beta Sona Desert means Marustal the He was, it was a very hot day. Garmi Kadinta, the burning yellow and sand shone in the bright sun. Suddenly Sona stopped. एड डग हिज फीट इंटू द सडनली अचानक सोना का पैर सैंड के रेत के अंदर घुस गया आई वोंट गो एनी फर्दर मैं और आगे नहीं जाऊँगा ही ग्राम्बल ग्राम्बल मीन्स मम्मी से शिकायत किया मैं और नहीं चलूंगा आई एम वेरी थर्स्टी मुझे बहुत प्यास लगी है आई नीड वाटर मुझे पानी चाहिए हिज मदर लुक डाउन एट हिम एंड सैड आई नो यू मस्ट बी वेरी थर्स टी माई डियर मुझे मालूम है आपको प्यास लगी है बट इट वट बी फॉर लॉन्ग और ज़्यादा देर आपको प्यासर नहीं रहना है वॉटर इज नियर पानी नज़दीक है लुक देखो शी स्ट्रेच्ड अ लॉन्ग नेक टूअर्ड्स अ लाइन ऑफ ट्रीज समिस्टेंस अवे अपना गर्दन लम्बा करके दिखाया देखो वहाँ बहुत दूर में पेड़ है वहाँ पर पानी है यूसी डोज ट्रीज देअर वहाँ आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं इन डेजर्ट्स वेर देर आर ट्रीज देर इज वाटर मरुस्थल में जहाँ पेड़ रहते हैं वहाँ पानी रहता है देयर माइट इवन बी ए विलेज वहाँ गाँव भी हो सकता है एनी वे देर विल बी नदर एनिमल्स एंड यू कैन प्ले विद दैम ठीक है वहाँ दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं उसके साथ साथ वहाँ खेलोगे

लेफ्ट में बाएं तरफ मुड़ के उसके बेटे को सोना को बुलाया बोले कम दिस वे आई स्मेल वाटर क्वाइट नियर मुझे पानी की खुशबू आ रही है सराउंडेड बाई टॉल ट्रीज एंड थिक बुशेज दे फाउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर एक पूल ऑफ छोटा सा तालाब जैसा पानी उनको मिला वो जगह पूरे पेड़ों से घिरा हुआ था लोअरिंग द हेड्स दे ड्रैंक डीपली अपना गर्दन नीचे करके उन लोग पानी पिए अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री नियर बाई वॉच डैम वहाँ पास में एक क्रो बैठा था और उनको देख रहे थे वॉट अ लॉट ऑफ वाटर यू ड्रिंक ही बर्स्ट आउट वैन सोना एंड इज मदर फाइनली फिनिश्ड तो वो क्रो देख के बोलते हैं आप लोग कितना पानी पीते हो यू ड्रिंक मोर देन एनी अदर एनिमल आप तो दूसरे एनिमल से भी ज़्यादा पानी पीते हो आई हैव एवर सीन मैंने कभी देखा ही नहीं था आई एम श्योर कंटिन्यू द क्रो शेकिंग इज हैड फ्रॉम साइड टू साइड यू कुड ड्रिंक द पुल ड्राई आप तो इतना पानी पीते हो कि वो तालाब भी सूख जाएगा सेकेंड सेक्शन नो वी कूडेंट लव द मदर कैमल मदर कैमल हंस के बोलते हैं नहीं नहीं इतना पानी हम नहीं पी सकते बट यू आर क्वाइट राइट पर आप सही बोल रहे हो वी कैमल्स ड्रिंक गैलेंस ऑफ वाटर एट अ टाइम हम एंड कैमल्स लोग बहुत गैलन्स में बड़े बड़े गैलन ड्रम ड्रम पानी हम लोग पी लेते हैं वाई आग से क्रो क्रो ने पूछा है ऐसा क्यों वी लिव मोस्टली इन डेजर्ट वेयर वाटर इज डिफिकल्ट टू फाइंड हम मरुस्थल में रहते हैं जहाँ रेत ही रेत रहता है वहाँ अधिक पानी नहीं रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है हमें पानी स्टोर करना पड़ता है तो कैमल के पीठ ना ऊंचा होता है उसको बोलते हैं हम बट वी डोंट रियली माइंड बिकॉज वी कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज तो हमें ये बुरा नहीं लगता है क्योंकि हम काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं इन आवर स्टमक्स स्टमक मतलब पेट We have a separate compartment to store water. हमारे पेट में एक अलग हिस्सा रहता है compartment में partition रहता है जहाँ हम पानी store करके रखते हैं Besides, when we don't get water, our bodies can produce it. अगर कभी ऐसा समय भी आता है कि जब हम पानी मुझे हमें नहीं मिलता है तो हम वहाँ से पानी निकलता है We get water. Water is produced. डू यू नो वैन वी लास्ट है ड्रैंक अ वाटर तुम्हें पता है हम लोग आखिरी बार कहाँ पानी पिए थे वैन आक्स द क्रो हु फाउंड दीज ट्रेंज एनिमल्स वेरी इंटरेस्टिंग फाइव डेज अगो रिप्लाइट द मदर तो उसने पूछा हाँ कब पानी पिए थे तो मदर कैमल ने बोला हम फाइव डेज पहले पानी पिए थे फाइव डेज एक्सक्लेम द क्रो इन अमेजमेंट अमेजमेंट में आश्चर्य होके पूछता है बोलते हैं कि अरे पाँच दिन पहले पानी पिए हो ही फ्ल्यू ऑफ टू टेल द अदर एनिमल्स फिर वो क्रो उड़ के चले गया और दूसरे एनिमल्स को बोलने के लिए वेन सोना हर्ड दिस ही फेल्ट प्राउड वी आर वेरी स्पेशल आंट भी जब सोना को ये सुनाई दिया तो उसको बहुत अच्छा लगा उसको बहुत गर्व हुआ कि हम लोग तो बहुत स्पेशल एनिमल्स हैं मदर ही सैड ऑफकोर्स सैड द मदर मम्मी ने बोला हाँ द कैमल sat डाउन इन द शेड ऑफ़ अ ट्री Camel's ट्रीज़ मतलब चाय. के शेड मतलब छाए छाया के नीचे बैठ गए द मदर कैमल सून बिगैन टू डोज डोज मतलब उसको नींद आने लगी मम्मी कैमल को नींद आने लगी नॉट येट आई एम गोइंग एक्सप्लोरिंग सेट सोना एंड वैंडर्ड ऑफ सोना बोलने नहीं मुझे तो अभी नहीं लेटना है नहीं सोना है तो मैं इधर उधर से थोड़ा घूम घाम के आता हूँ The crow had already spread the news about the camels. Up crow to Urke Chalegya, Unke Bare me pura news fella the animals Ilong as a pani pita unka panny store so he flew away and told everything. The older camels heard what the crow said with little interest, but the younger ones set off at once to say, see these peculiar animals. जो ओल्डर एनिमल्स मतलब जो बड़े बड़े एनिमल्स थे उन लोग क्रो की बात सुने बट छोटे छोटे जो एनिमल्स थे उन लोग बहुत क्यूरियस थे उनको बहुत जानने की देखने की इच्छा हो रही थी ये कौन सा एनिमल आ गया यहाँ पर दे आर बिहाइंड बुश एंड रॉक सो दैट दे कु सी विदाउट बीन सीन उन लोग सब छुपके छुपके झाड़ियों के पीछे से छुपके इधर से छुपके उनको देख रहे थे एनिमल को उन लोग देख रहे थे कि ये किस टाइप का एनिमल है कि इतना सारा पानी एक साथ पी जाता है सेक्शन थ्री दे सॉ सोना वॉन्डरिंग अबाउट उन्होंने देखा सोना इधर उधर घूम रहे हैं द टॉकटिव रैबिट जम्पड आउट ऑफ अ बुश एंड सिटिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स स्टेड एट सोना तो एक रैबिट था वो बहुत बात करता था वो अपने बुश में से झाड़ियों से निकल के आया अपने हाइंड लेग्स मतलब आगे के पैरों से कूद के आया और सोना को देख रहा था सडनली ही बर्स्ट आउट लाफिंग अचानक उसको देख के खूब जोर से उसको हँसी आई हू आर यू एंड वॉट आर यू लाफिंग एट आग सोना एंग्रीली सोना को बहुत गुस्सा लगा तो वो एंग्री होके पूछते हैं आप कौन हो और आप इतना हंस क्यों रहे हो यू हा हव द रैबिट फिर रैबिट हा 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 करके हंसने लगा यू लुक सो फनी आपको कैसे मज़ेदार दिख रहे हैं द क्रो टोल्डर्स यू वे वंडरफुल एनिमल्स क्रो ने हमें जाके सब बता दिया यू आर नॉट वंडरफुल एट ऑल आप भी तो वैसे वंडरफुल हो यू आर अगली एंड सुली लुकिंग आप बदसूरत भी हो आपको देखने में भी अच्छे नहीं हो। लुक एट दोज लॉन्ग लॉन्ग लेग्स दैट फनी हम्ड बैक एंड दैट नेक हा 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 देखो आपके इतने लंबे लंबे टांग हैं आपका पीठ भी ऐसे ऊँचा है और आपका गला भी गंदर गर्दन भी बहुत लंबा है और बोल के फिर हा 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 करके हंसने लगा द अदर एनिमल्स बिगैन टू लाफ टू दूसरे एनिमल्स भी हंसने लगे द गोट द स्नैक द ढियर द फॉक्स एंड अदर्स दे सराउंडड सोना एंड बिगैन मेकिंग फन ऑफ एम ये सारे एनिमल्स उसको घेर लिए सराउंड मतलब घेरना सोना को घेर के हंसने लगे उसको छेड़ने लगे व्हाट इज योर नेम आक्स द स्नैक स्नैक ने पूछा आपका नाम क्या है व्हाट्स दैट बिग हम्प ऑन योर बैक वो बड़ा हम्प आपके पीठ में क्या है लेट्स कॉल हिम हम्पी हा चलो हम उसको हम्पी बोल के बुलाएंगे नो नो सेट द गोट गोट ने बोला नहीं नहीं वी विल कॉल हिम फ्लैट फुट हम उनको फ्लैट फ्लू फुट करके बुलाएंगे लुक एट दोज लॉन्ग लेग उसके लंबे लंबे टांग देखो एंड दोज फनी फ्लैट फीट और फीट मतलब पंजा देखो एकदम फ्लैट है द गोट अप एंड डाउन शोइंग ऑफ इज लवली स्लिम लेग्स और वहाँ गोट बकरी कुद कुद के बता रहा था देखो मेरे टाँगें देखो कितने सुंदर सुंदर है पतले पतले है और कूद कूद के उसको बता रहे थे नेक्स्ट पेज व्हाट अबाउट दैट सिली लॉन्ग नेक हा 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 क्या वो पतले पतले लंबे लम्बे टांग एंड वाई यू सीन हिस्टेल क्यों उसका पूछ दिखाई नहीं दे रहा है क्राइक द फॉक्स पॉइंटिंग टू सोनाज शॉर्ट लिटिल टेल फॉक्स उसका छोटा कैमल का पूछ छोटा होता है वो छोटा सा पूँछ उसको दिखा के वो हंसने लगे लुक एट माई ब्यूटीफुल ट देखो मेरा टेल कितना सुंदर है ही एड इट प्राउडली वेविंग इज बुशी टेल और उसका फुल टेल बुशी है मतलब फुली फुली है बुशी टेल अपना टेल हिला के बोल रहे देखो देखो मेरा टेल कितना सुंदर है आपका टेल तो छोटा सा है टेल मींस पूछ डोंट मेक फन ऑफ मी सेट द डियर डियर ने बोला मेरे को देख के हँसी नहीं उड़ाओ हु वॉज काइंड एंड जेंटल वो बहुत दयालु था और शांत था लुक एट माई टेल इट्स जस्ट ए स्मॉल देखो मेरा पूँछ वो भी छोटा सा है पुअर सोना डिड नॉट नो वॉट टू से बेचारे सोना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताएँ फीलिंग वेरी हर्ट उसको बहुत दुख हुआ एंड एंग्री गुस्सा भी हुआ एंड ही रैन टू हिज मदर और मम्मी के पास चले गया ऑल द वे बैक ही कुड हियर देयर लाफ्टर जब तक वो मम्मी के पास दौड़ दौड़ के आ रहे थे तो उस लोग वो जा बाकी जो सारे एनिमल्स थे आए थे उसको देखने के लिए उन लोग सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे वो उसको दूर तक सुनाई दे रहे हैं सो चिल्ड्रेन फ्रॉम दिस स्टोरी वी शुड लर्न दैट वी शुड नॉट टीज एनी वन हमें किसी को टीज नहीं करना चाहिए किसी को छेड़ना नहीं चाहिए हमें सबके साथ मिल के रहना चाहिए गॉड ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है सो चिल्ड्रेन यू विल रीड दिस लेसन ओके बाय